बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप तमाम तुलबा में से वो तुलबा जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की है, उनकी कोशिश होती है कि वो आगे एडमिशन लें मेडिकल की फील्ड में, यानी MBBS में या BDS में या इसके अलावा मेडिकल की जो भी फील्ड है। तो मैं आपको इस हवाले से आज मतला कर दूँ कि आपके जो FSC के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स के बाद रिजल्ट आने से कबल तकरीबन आपका MDCAT कंडक्ट किया जाता है और आपका तमाम जो क्राइटेरिया होता है वो बनाया जाता है, जिसमें जो आपका नेशनल MDCAT यानी मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है वो 40% कंसिडर किया जाता है और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स और इस तरह 50% आपके FSC के मार्क्स, ये टोटल मजमूई तौर पर 100% बनता है। और इसमें से आपका क्राइटेरिया बनाया जाता है वो उसके लिए जिसके लिए आपने MDCAT के बाद यानी आपने MBBS या BDS में एडमिशन लेना होता है। तो इस हवाले से चूँकि अभी आपके FSC के इम्तहान कंडक्ट नहीं हुए Part 2 के, तो आप तमाम तुलबा भी ये बार बार पूछ रहे हैं। और इस हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने यह कहा है कि हम इजाज़त देंगे कि आप MDCAT कंडक्ट करवा लें, ECAT कंडक्ट करवा रहे हैं वो तलबा जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है करनी होती है, यानी FSC प्री इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए ECAT होता है और जो FSC प्री मेडिकल करते हैं उनके लिए होता है नेशनल MDCAT यानी मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ वो MDCAT के रेलिवेंट ही बता रहा हूँ। तो वफाकी वज़ीर तालीम के मुताबिक MDCAT कंडक्ट करवाने की इजाज़त होगी तकरीबन अगस्त में होगा और आगे पीछे भी टाइम हो सकता है, लेकिन ये आपके रिजल्ट से कबल हो सकता है, मुमकिन है और होने की करवाने की इजाज़त होगी। तो इस हवाले से वाइस प्रेसिडेंट जो PMC है यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हैं, उन्होंने ये इस हवाले से कहा है कि जो आपका सिलेबस है वो कोशिश थी कि ईद की छुट्टियों से कबल वो आपको बता दिया जाए, लेकिन वो छुट्टियों की वजह छुट्टियाँ चूँकि ज़्यादा हैं और इस दौरान वो मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो फाइनल कर लिया गया है। उस हवाले से जो मुतल्लिका बोर्ड्स हैं, चूँकि आपका स्मार्ट सिलेबस हुआ है और स्मार्ट सिलेबस होने की वजह से आपके टॉपिक्स के वाले से भी, तो वो जो आपका MDCAT का सिलेबस होगा वो मुतल्लिका जो रेलिवेंट बोर्ड्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद जो फाइनल होगा वो ईद के बाद आपको फौरन बता दिया जाएगा, तकरीबन कोई ईद के 2 हफ्ते के बाद मई के अंदर ही तकरीबन आपको मई के लास्ट वीक तक बता दिया जाएगा कि आपका जो नेशनल MDCAT कंडक्ट किया जाएगा उसका सिलेबस क्या होगा। चूँकि स्मार्ट सिलेबस हुआ था तो उस तमाम तनाजुर को देखते हुए आपके जो टॉपिक्स वगैरह आपके सिलेबस के निकाले गए थे तो MDCAT में कौन से टॉपिक्स होंगे, तो इस हवाले से चूँकि सिलेबस रिवाइज्ड होगा तो जो सिलेबस फाइनल होगा आपका MDCAT के लिए तो वो आपको ईद के बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद आपको बता दिया जाएगा। तो वो जब आपको बताया जाएगा उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, उसके लिए आप हमने हमारे साथ लिंक रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, चूँकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे हमारा चैनल तो जो भी इससे रेलिवेंट हम अपडेट डालते रहेंगे आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप देखते रहेंगे। तो वापस आप जो कि अपडेट की तरफ आते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि जो सिलेबस था वो अब छुट्टियों की वजह से डिले होगा और ईद के फौरन बाद बता दिया जाएगा। और उन्होंने इस हवाले बाद मजीद ये कहा कि जो जून में है हम इस हवाले से अभी क्लियर कर देंगे कि रजिस्ट्रेशन जो आपकी होगी तकरीबन जून में शुरू कर दी जाएगी और जो रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगी उसका जो भी तरीका होगा वो भी हम आपको बताएंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाने का क्राइटेरिया क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कैसे फॉर्म फिल करना है, वो सारा तरीका हम आपको तब बताएंगे। तो इस सब के बाद यानी आपके ये रजिस्ट्रेशन तकरीबन जून में इस हवाले से बताया जाएगा और आपका MDCAT कंडक्ट कट किया जाएगा, इसके मुतालिक भी जून में बता दिया जाएगा आपको। लेकिन अभी तक कोई वाज़ तौर पर अनाउंसमेंट नहीं है कि आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगी, कैसे होगी, ये सारा प्रोसेस जो आपको बताया जाएगा ईद के फ़ौरन बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ईद के आपको ये बता दिया जाएगा। और इस हवाले से जो भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दोबारा आएगी, अभी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ईद के 2 हफ्ते बाद इस हवाले से हम वाज़ कर देंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होगी, कब तक आप करवा सकते हैं और उसके बाद आपका जो MDCAT होगा उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस कितना होगा, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और कब कंडक्ट किया जाएगा, इस मुतल्लिक आपको ईद के बाद इंशाल्लाह बता देंगे। तो आप तमाम तलबा को बता दें कि नेशनल MDCAT जो आपका है वो कंडक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि वो नेशनल MDCAT की बुनियाद पर आपका आगे मेडिकल की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, मेडिकल की किसी भी फील्ड में एडमिशन होता है। तो इस मुतल्लिक जो भी कोई अपडेट आएगी वो हम आपको बताएँगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।